तो आज मैं लौकी की एक रेसिपी और लेके आई हूँ। इसके लिए इस प्रकार लौकी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। उसके बाद थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी दालचीनी और थोड़ी सी काली मिर्च को मिक्सी की जार में थोड़ी सी पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। एक बर्तन ले लेंगे, बर्तन को में थोड़ी सी ऑयल डाल के जीरा और तेजपत्ता चटकाएँगे। उसके बाद उसमें प्याज डाल देंगे, प्याज को भुनेंगे। प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए, प्याज के कलर थोड़ी सी चेंज ना हो जाए, तब तक हमें प्याज को भूनना है इस प्रकार। अब प्याज हमारी भुनी हुई हो गई है। अब हमने जो पेस्ट तैयार की थी लहसुन का, वो उसमें डाल देंगे। अब इसको भी थोड़ी देर भूनेंगे, 2-4 मिनट, जब तक कच्चापन लहसुन का ना चले जाए, तब तक हमको इसको भूनना है। उसके बाद हम थोड़ी सी इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के इसमें नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। फिर उसको भी हम थोड़ी देर चलाएंगे, थोड़ा सा इस सारे मसाले को पका लेंगे थोड़ी देर, 2-3 मिनट। उसके बाद हमने जो लौकी काट के रखे थे उसको इसमें मसाले को पका के थोड़ी देर 2-3 बार अच्छी तरह से चला के पका के लौकी को इसमें हम डाल देंगे कुकर में। इसके लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, क्योंकि कुकर लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आप सीटी नहीं लगानी है। ये लौकी भी सिर्फ ऐसे ही ढक ढक के पक जाएगी, ये लौकी की सब्ज़ी। अब हम लौकी को इसमें डाल दिए कुकर में, हमने मोटी कुकर ली है उसमें हमने इसको डाल दिए सब्ज़ी को। अब इसको अच्छी तरह से हम चला देंगे। अब सब्ज़ी मेरी अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ मिला के हम अच्छी तरह से इसको चला दिए 2-3 बार ऐसे ही, 2-2 मिनट बाद। उसके बाद हम इसको ढक दिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हमने इसको भी बीच में चला दिए थे। और फिर ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। आप भी इस प्रकार बनाएं, पकाएं। और मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब।